C5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए। कभी भी कहीं भी कुछ देना होगा आपको मुझे। मैं अपनी शादी को हर तरह से पूरा करना चाहती हूँ। इससे पहले कि आप और साहिल वेद के लिए वो कदम उठाएं, मैं वो पहली औरत होना चाहती हूँ जिसके साथ वो रात बिताए। भूमि, फोन लगाओ साहिल को और पता लगाओ कि कहाँ है वो। किस्मत ने लगा दी है मोहर वेदिका और साहिल की अनोखी प्रेम कहानी पर। जहां एक तरफ प्यार की लिखी जा रही है एक नई परिभाषा, वहीं करवा चौथ के पावन माहौल में रचे जा रहे हैं नए षड्यंत्र। हमें खुद कुछ ऐसा करना होगा कि साहिल भूमि के साथ संबंध बनाए, तभी हम उस अधेड़ उम्र की औरत को अपने घर से बाहर निकाल पाएंगे। क्या है इस प्रेम गाथा का अगला अध्याय? थैंक यू वेदिका दी, आज आपकी वजह से मेरा अधूरा रिश्ता पूरा हो जाएगा। आज मैं और साहिल हर महीने में एक हो जाएंगे। बस साहिल को सही कमरे की चाबी मिल गई होगी। आज भी मैं आपसे प्यार करता हूं वेदिका जी। मेरी बड़ी बहन इतनी घिर सकती थी ये मैंने कभी नहीं सोचा था। एक रात क्या बिता दी आप दोनों ने एक दूसरे के साथ, सारे रिश्ते सारे वादे सब भूल गए। हाँ, मैंने शादी का मान रखने का वादा किया तो भूमि, लेकिन रिश्ता आगे बढ़ाने का नहीं। आज भूमि, मैं तुम्हें शादी के बंधन से आजाद करता हूँ। मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूँ। तुम्हें तलाक दे रहा हूँ भूमि। वेदिका जी, जिंदगी पता नहीं हमें कहाँ से कहाँ ले जा रही, और मुझे कहने के ऐसा लगता है कि अभी चुप रहने से कोई फायदा है ही नहीं। इस सब करते हुए तुझे शर्म नहीं आई? पहली बीवी के होते हुए तुमने इस अधेड़ उम्र की औरत से शादी कर ली? भूमि, इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती है तुम? तो क्या करूं, तुम दोनों की बेशर्मी का नंगा नाच देखूं? मुझे बस मेरा वेद चाहिए। अगर तुम वेद को ऐसे ले गई तो वो मर जाएगा। मर जाने दो उसे। मारना चाहते थे अपनी बेवफा पत्नी को। तुझे इस दुनिया से उस दुनिया में जाना पड़ेगा। साहिल! वेदिका जी! I love you, वेदिका जी। ऐसे दिवाली बर्बाद करेंगे कि भूलेंगे नहीं कभी। बस वेदिका दी, मुझे मेरा पति और मेरा बच्चा वापस चाहिए। वापस तो आना ही पड़ेगा जब कोई विकल्प नहीं बचेगा। ये वेदु बीना कितने चॉकलेट्स खाता है? पहन रहे हैं, इसमें क्या हो सकता? ऐसे दिवाली बर्बाद करेंगे कि भूलेंगे नहीं कभी। बस वेदिका दी गई, मुझे मेरा पति और मेरा बच्चा वापस चाहिए। वापस तो आना ही पड़ेगा जब कोई विकल्प नहीं बचेगा। जो आज तक इस समाज में नामुमकिन था वो आज से मुमकिन होगा। वेदिका, साहिल और उनकी दुनिया। दिवाली का बम हटा के असली वाला बम रख दिए। जब फटेगा ना तो जलाने वाले के टुकड़े तक नहीं मिलेंगे। डिवोर्स। हमारे पास एक सुझाव है, वेदिका अग्रवाल की मौत। मम्मा, आंटी चलो फटाके फोड़ते हैं। रोली होप, अब तक तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो गया होगा और तुम मेरी बात ठीक से सुनने और समझने की हालत में होगी। हम दोनों का रिश्ता झूठ की बुनियाद पे बना था। मुझे गुमराह किया गया था, धोखा दिया था मुझे, और उसका नतीजा था हमारी शादी। पर आज
सारा सच सामने आने के बाद इस रिश्ते का कोई वजूद नहीं है भूमि। ये शादी उतनी ही झूठी हो गई है जितना बाकी सब झूठ था। मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूं भूमि, मेरे लिए और वेद के लिए तुमने बहुत किया, अपनी जिंदगी के 5 साल दिए, पर अब एक झूठे रिश्ते के साथ मैं और नहीं जी सकता भूमि। हैप्पी दिवाली आपको भी। साधिका ने मम्मा को बहुत मिस किया। मम्मा भी आपको बहुत मिस करती है बेटा, इसीलिए तो मम्मा ने सोचा कि ये दिवाली हम सब साथ में मिलकर मनाएंगे। मैंने भी शादी का। सुजी आप सडनली यहाँ कैसे? वेदिका जी ने बुलाया, कहा कि अगर दोनों बच्चे और हम सब साथ में मिलकर दिवाली मनाएंगे तो फैमिली का त्योहार लगेगा। सबके बारे में सोच लेती है वो। क्यों बेबी जी? वाह वाह, ये देखो नजारे, असली दिवाली तो यहाँ हो रही है। मंगलसूत्र पहन के सिंदूर लगा के ऐसे टहल रही है, कुछ शर्म लिहाज है या नहीं है? निकाल फेंक ये ढोंग का नाटक। छोड़ो, हाथ मत लगाना मेरे मंगलसूत्र को। आप लोग होते कौन हैं ये तय करने वाले कि क्या सही है और क्या गलत? बड़ी दिवाली का फंक्शन हम कबीर के साथ जरूर मनाएंगे, देखना कबीर हमारे साथ आएगा। और ये हम नहीं, हमारी मोहब्बत का यकीन कह रहा है। अगर तुम पूरे के पूरे हमारे होते तो हमारी बहन से बढ़कर दोस्त रीमा का दिल नहीं तोड़ते। लेकिन रीमा के घर दिवाली पर जाकर हमें खुश कर सकते हो और पूरे के पूरे हमारे हो सकते हो। ऋषभ जी, आज इस रिकॉर्डिंग से ना ये पता चल जाएगा कि जिसको फोन कर रही है ना वो बंदा है कौन। आज इस मास्टरमाइंड का चेहरा सामने आएगा ऋषभ जी, और इसका शादी वाला किल खत्म। ये तो पृथ्वी की घड़ी है। कहाँ? मुझे सनी के साथ कियारा के घर जाना, दिवाली गिफ्ट भी तो देने ना। अरे बाय द वे, कियारा तो शाम को हमारे घर पर ही आ रही है। तो ये तो बेस्ट है, तुम मेरे लिए काम करो। तुम कियारा के मॉम डैड को भी इनवाइट करो। अरे वो वर्क इज ऑलरेडी डन, मैंने इनवाइट कर दिया है उन्हें। इसी बहाने मैं कियारा की मम्मी से भी मिल लूंगा। अब इनको पाने का ये आखिरी मौका था मेरे पास, मौका भी मुझसे छीन लिया। मैं उसका उससे सब कुछ छीन लूंगी। आप कौन सा नया बैग खड़ा खड़ा कर दिया तुमने? मैं आपको सच्चाई बताने आई हूँ मल्हार जी, कि सब पता मुंबई कहीं नहीं है, उसे अथर्व ने किडनैप कर लिया है। ए कल्याणी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो कमरे में आराम करना चाहिए। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में कल देखिए, शादी के बाद पहली दीपावली पर मिली गुड्डन को जिंदल परिवार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी। क्या धनतेरस की पूजा पर गुड्डन दिया बनाकर करेगी नए रिश्तों की शुरुआत, या फिर उसकी गलतियां देखकर अक्षत होगा नाराज? जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा रात 8 बजे सिर्फ जी टीवी पर। कल देखिए, आखिर ये बच्ची कौन है, क्या रिश्ता है इसका मीरा के साथ? अस्मिता, क्या हुआ तुम्हें?
स्मिता, तुम मेरी पूछ क्यों?